भारत मलेशिया समेत एशिया के कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रसार का सबब बने तबलीगी जमात के सदस्यों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान अब तबलीगी जमात के 41,000 ऐसे सदस्यों की तलाश में जुट गया है जो पिछले महीने लाहौर में हुए इज्तिमा में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद देश के कोने कोने से आए ये लोग वापस अपने घरों को लौट गए थे। कोरोना वायरस का वार जब पाकिस्तान में शुरू हुआ तो यही कहा जा रहा था कि हजारों लोग जो ईरान से वापस पाकिस्तान ताफ्तान बॉर्डर से आए उनमें ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान हुकूमत के सामने एक इंतहाई मुश्किल और कठिन मरहला आ चुका है, क्योंकि वो इज्तिमा जो रायबंद लाहौर में हुआ 11 मार्च से 13 मार्च तक और उसको ख़त्म किया गया बारिश की वजह से, 2.5 लाख लोग वहां आए थे अटेंड करने के लिए, और ना सिर्फ ये, वो लोग वहां से वापस अपने इलाकों में चले गए। और अब जाके जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो उसी इज्तिमा से वापस अपने घरों को गए। इससे एक और मसला बन गया है, वो ये कि इन 2.5 लाख लोग और हज़ारों लोग जो अपने घरों को गए हैं, ना सिर्फ उनको ट्रैक करना के अब मुसीबत पड़ गई है, मुश्किल पड़ गई है, गवर्नमेंट को ये एक मुश्किल टास्क करना पड़ रहा है कि वो सब लोग जो वहाँ इज्तिमा में आए थे, हज़ारों की तादाद में आए थे, और वो कहाँ कहाँ वापस गए हैं, उनको सिर्फ ना सिर्फ ट्रैक डाउन करना है, उनके केसेस उनको टेस्ट करना है ना, और उनको अगर उनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उनके एरियाज को सील भी करना है। पंजाब सूबे की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर यासमीन राशिद, उनके मुताबिक कि ताफ्तान से यानी कि ईरान से आने वाले लोगों का नंबर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस का सबसे ज़्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पे अब जो है वो तबलीगी जमात के लोग हैं जो अपने अपने घरों को चले गए हैं, उनको मालूम नहीं है या उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनको अब ट्रैक डाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा मसला बन गया है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इन तबलीगी जमातों और रिलीजियस ग्रुप्स को समझाने में नाकाम रहा है, अभी तक 5 वक्त नमाज के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने और बाद में सूबाई हुकूमतों ने भी जुम्मे के नमाज के ऊपर मस्जिदें बंद की, लेकिन लोग नहीं माने, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मानी। अभी भी ये कहा जा रहा है कि उनको उनसे बातचीत चल रही है, उनको समझाया जा रहा है कि ये वायरस ऐसा है जिसके सिम्टम्स शायद आपको नज़र ना आए लेकिन आप कैरी कर रहे होंगे, और अगर इस तरह के इज्तमात और इस तरह की गैदरिंग्स आप लगाएंगे, दिन में 5 दफ़ा लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है इस वायरस के स्प्रेड होने का वजह भी बन सकती है, और ऐसा स्प्रेड होगा जो कि लोकल ट्रांसमिटेड होगा, जिसको ट्रैक करना भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कैपेसिटी, पाकिस्तान की हुकूमत की हेल्थ केयर सिस्टम, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक मुश्किल और इंतहाई कठिन मरहला पाकिस्तान के लिए बन जाएगा। ऑलरेडी ये तबलीगी जमात के लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको ढूंढा जा रहा है, और ज़्यादातर लोगों में कोरोना वायरस का केस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। लाहौर के रायविंड इलाके में 5 दिन तक हुए इस इज्तिमे में दुनिया भर से करीब 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। इसमें शामिल कई जमाती अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लाहौर में अकेले तबलीगी जमात के 41 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हमें डर है कि पाकिस्तान के 60 अलग अलग शहरों में 10,000 जमाती कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इन जमातियों की तलाश के लिए 5200 टीमें बनाई गई हैं। हर एक टीम में 8 सदस्य हैं। इन्हें देश भर की मस्जिदों में भेजा गया है। यही नहीं, लाहौर में हुए इज्तिमे में 26 देशों के 4500 लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से भी कई लोगों के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि इनमें से 70% विदेशी अपने देश वापस लौट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।